नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का अपने स्टडी चैनल लॉकडाउन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा वो एलसीएम एचसीएफ की जो हमारी सीरीज चल रही है मैथ्स की, उसका आज क्या है दूसरा वीडियो आने वाला है। पहला वीडियो जो लोग नहीं देखे हो प्लेलिस्ट में जाकर पहला वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने एलसीएम एचसीएफ में डिफरेंस हो गया कैसे भिन्न के एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, साथ में प्लस दो फॉर्मूले भी उसमें बता के रखे हुए हैं। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो होगा हम देखेंगे घातांकों का कैसे एलसीएम और एचसीएफ हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने जो फॉर्मूले बताया मैं उसका उपयोग जरूर करूंगा, और मैं तब तक आपको ये टाइम है कि आप दोनों चीजों को बहुत ही आसानी से दो फॉर्मूले हैं उनको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे का जो वीडियो है आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग देखने वाले हैं कैसे घातांक का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, गुणनखंड या मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है, वो जरूर से जरूर पहले पिछला वीडियो देखेंगे, उसके बाद क्या ये वाला वीडियो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमको देखना है क्या घातांकों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। मुझे जितनी बतानी है चीजें एलसीएम और एचसीएफ वाले चैप्टर में, तो मुझे ऐसा लग रहा है मिनिमम चार वीडियो या मैक्सिमम पांच वीडियो बनने वाले हैं। तो आज जो दूसरा वीडियो, तो लाइन से अगर आप देखते हुए चलेंगे तो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है शॉर्ट टर्म्स के साथ। ठीक है, और जो फॉर्मूला में लिखवाऊंगा उस टाइप के क्वेश्चन में जो लंबे पैटर्न वाले क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, या जो लाइन से बेल बजती है, बेल वाला क्वेश्चन आता है कि अगर पांच बेल बज रही है तो अगला बेल कब बजेगा, तो वो सभी क्वेश्चन में करवाऊंगा। तो आज दूसरा वीडियो, चार से पांच वीडियो इसके आने वाले। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बोला है एलसीएम और एचसीएफ क्या है, हमारा दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे घातांकों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन को लिख के रखा हुआ हमारा टाइम को बचाने के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, 5 की पावर 6 और 5 की पावर 12 का एलसीएम निकालना है। जो पिछला वीडियो था मैंने बताया था एलसीएम मतलब होता है मल्टीपल, और क्या होते हैं ये एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो इसे 5 की पावर 1 मतलब 5 यहाँ पर एक बार है, ये 5 की पावर 2 मतलब 5 × 5 है, यहाँ पे क्या 5 × 5 × 4 बार है, ये तो 5, ये क्या है यहाँ पे 5 × 5 करके 12 टाइम्स है। ठीक है, तो जो हमारा जो मल्टीपल होगा सभी में कॉमन क्या होगा, वो लास्ट वाला होता है। ठीक है, मैंने आपको बता के रखा यहाँ पे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 5 की पावर 12। कैसे आया 12, हमको एलसीएम में शॉर्ट ट्रिक यहाँ बता रहा हूँ, एलसीएम में क्या करना है, जो हाईएस्ट पावर होती है जब क्या हो आधार सबके समान हो, तो हम क्या करेंगे हाईएस्ट पावर को एलसीएम में लेते हुए चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको समझ में आएगा क्या डिफरेंस है, 5 की पावर -1, 5 की पावर -2, 5 की पावर -3, 5 की पावर -6, 5 की पावर -12 का आपको क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखिए, हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 12 है क्या हाईएस्ट पावर, नहीं -12 नहीं है, तो ये हाईएस्ट पावर नहीं है, यहाँ की जो हाईएस्ट पावर वो है -1। तो इसका एलसीएम क्या होने वाला है 5 की पावर -1। ये जो -1 है सबसे बड़ा है। ठीक है, आप लोग को पता होगा लाइन एक जीरो होता है सेंटर में। ठीक है, इससे बड़ा एक दो इस तरह जाता है पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 3 उसी प्रकार क्या, तो -1 सबसे बड़ा है, उससे छोटा क्या है -2, उससे छोटा है -3। तो जो -12 जो है सबसे छोटी पावर है 5 की। ठीक है, सबसे बड़ी पावर क्या है -1। हम जब किसी समान आधार वाले नंबर का क्या करेंगे, हम जब निकालेंगे एलसीएम तो उनकी पावर जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो ही हमारा एलसीएम होगी। ठीक है, अब देखो जो आधार अलग अलग हो जाए, ठीक है, जब आधार अलग अलग हो जाए, 5 की पावर 3 है और 2 की पावर 3 है, और इनके बीच में क्या कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है, गुणनखंड नहीं है, तो हम क्या करेंगे उस समय पर, इसका मल्टीप्लीकेशन ही क्या होने वाला है हमारा एलसीएम होता है। 5 की पावर 3 सबसे हाईएस्ट घात इसकी है 5 की है और 2 की पावर 3 है, ये है क्या है हमारा एलसीएम, ये छोटी पावर है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं अगर ऑप्शन में ऐसा ना मिले। मैंने आपको 10 तक क्यूब रूट याद करने के लिए कहा हुआ, ठीक है, तो 5 की पावर 3 क्या होता है 125। ठीक है, और 2 की पावर 3 क्या होगा 8। तो इसका आंसर कितने वाला है 1000। इसका आंसर क्या हो गया आपका 1000। क्या किया है, जब उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं होते हैं और दोनों के घात अलग अलग हो, आधार जो है वो अलग अलग होते हैं, तो क्या होता है उनका मल्टीप्लीकेशन ही क्या बन जाता है हमारा एलसीएम बन जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा और डिफरेंस, मैंने चार पैटर्न होते हैं पावर वाले सिस्टम में। ठीक है, तो मैंने चारों पैटर्न को एक साथ वीडियो पे किया है ताकि आप कंपेरिजन करके देखेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है और एक ये नंबर, इन तीनों क्या करना है यहाँ पे कॉमन है, ये दोनों अलग अलग। ठीक है, एक नंबर ये, एक नंबर ये और एक नंबर ये, तीनों क्या करना है आपको एलसीएम निकालना है। तो हम हर नंबर से जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन जो चीजें होंगी, उसके हाईएस्ट पावर को लेते हुए चलेंगे। यहाँ क्या 2 की पावर 3
2 की पावर 2 और यहां ओनली 2 है, तो हाईएस्ट क्या हुआ 2 की पावर 3 मल्टीप्लीकेशन, ये हुआ आपका 2 की पावर 3 हाईएस्ट, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 5 है, तो हाईएस्ट पावर किसकी हुई 3 की पावर 5 की, ठीक है। यहां पे देखिए 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2, यहां 5 है, यहां 5 नहीं है, ठीक है, तो हाईएस्ट पावर किसकी है 5 की पावर 2 की, 5 की पावर 2, तो यहां पे तो 5 खत्म हो गया, लेकिन यहां पे 7 की पावर 1 है, ठीक है, यहां पे 7 है और यहां पे 7 की पावर 9 है, तो मैक्सिमम पावर क्या होगी 7 की पावर 9, तो ये क्या होगा, ये हो गया आपका आंसर। इसको बहुत बड़ा नंबर तो आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो यही आपको ऑप्शन मिलेगा। तो क्या करना है हमको, सभी में से जो हाईएस्ट पावर होगी उसको चूज करते हुए चलना है, और जो हाईएस्ट पावर को हम निकालेंगे वही होगा क्या हमारा एलसीएम। अब ये नया करना क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 10a² bc 15ab c² 20a² b² c, तो हम क्या करेंगे इस नंबर को थोड़ा सा क्या है तोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2 × 5 बनेगा 10 से 2 × 5, ठीक है, a² bc, ठीक है, इससे क्या बनने वाला है, इसको मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, 3 × 5 बनने वाला है, 5 × 15 उसको रहने दीजिए a b c² और जो लास्ट वाला है इसको भी मैं कैसे करता हूं यहां पे ला करके ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, तो इसे कैसे टूटने वाला है 2 × 2 × 5, ठीक है, और 2 × 4 और 4 × 5 = 20, यहां पे क्या होगा a² b² और c, ठीक है, तब यहां पे देखिए 2² है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या 2 की पावर 2, तो भी मतलब वही है 4, तो अब इसको क्या करना है, इसमें हमको कॉमन निकाल के देखना है कि हाईएस्ट पावर किसकी है, यहां पे देखिए 2 की पावर 2 हाईएस्ट है, 2 की पावर 2, यहां पे 3 है, यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, तो 3 की पावर क्या है सिंगल पावर होगी, 3 की पावर 1 छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, यहां भी 5 है, यहां भी है, यहां भी है, 10 × 5 रहने वाला है, ठीक है, ऊपर देखिए यहां a² है, कुछ नहीं है, यहां पे एक हाईएस्ट पावर, यहां b² हाईएस्ट पावर c² है, मल्टीप्लीकेशन क्या आने वाला है a² b² और c², क्योंकि मैक्सिमम पावर सभी की क्या है स्क्वायर में ही है, तो ये छोटी वैल्यू दिख रही है इसको आप तोड़ सकते हैं, यहां पे 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 15 और ये है a² b² c², तो क्या हुआ 15 × 4 = 60 a² b² c² ये हो गया आपका आंसर। हम करना क्या है एलसीएम, जब घातांक का एलसीएम निकालेंगे तो हाईएस्ट पावर को हमको लेकर के चलना, ठीक है, तो कितना होगा 5 × 15 = 15 × 4 = 60, तो क्या हुआ 60 a² b² c², तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं घातांक वाले जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में उसका आप एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं। अब मैं बताता हूं उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो मैं बोर्ड को रफ कर लेता हूं, क्वेश्चन लिख लेता हूं, उसके बाद हम क्या करेंगे इसका एचसीएफ देखते हैं। तो आइए मित्रों आगे देखते हैं कि हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जब हमको घातांक में कोई नंबर मिलेगा तो हम उसको देखते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए 6 की पावर 3 6 की पावर 4 6 की पावर 5 6 की पावर 7 और 6 की पावर 17, तो जब एचसीएफ निकालने होंगे जो मेरा पहला वीडियो देखे होंगे तो मैंने क्या बताया था, जब की संख्या का एचसीएफ निकालते हैं तो क्या होती है संख्या जो एचसीएफ आती है वो क्या होती है उसका फैक्टर होती है ना कि मल्टीपल, तो मतलब जिस संख्या का आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तो जो आने वाला एचसीएफ या तो वो संख्या ही हो सकती है या तो उससे छोटा ही एचसीएफ होगा, ठीक है, तो हम जब एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा हम छोटी घात को ही क्या हम लेंगे हमारा एचसीएफ लेंगे, तो यहाँ पे 6 की पावर तो छोटी घात कौन सी है 6 की पावर 3 है और सबसे छोटी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। अब सेम इम्प्लीमेंटेशन यहाँ करना है, मैंने माइनस की पावर ले एग्जाम्पल दिया या एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाएगा, 7 की पावर क्या -2 7 की पावर -3 -5 -9 -12, तो इसमें सबसे छोटी पावर कौन सी होने वाली है 7 की पावर -2 नहीं होगी, 7 की पावर क्या होगी -12। मैंने क्या इससे पहले वाले में क्या बताया ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है, लेकिन पिछले बार हम लोगों ने एलसीएम लेते टाइम क्या किया था जो नंबर में छोटा था उसको हम लोगों ने क्या लिया था एलसीएम ले लिया था, ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर होंगी इसमें जब आधार समान होंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए पिछले वीडियो में क्या हो रहा था, मतलब पिछले वीडियो नहीं पिछले एलसीएम वाले पार्ट में क्या हो रहा था कि जब दोनों के आधार अलग अलग होते तो उनमें क्या होता है मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कोई भी क्या होगा जब कोई भी चीज सेम नहीं मिल रही है दोनों में तो आपका एचसीएफ क्या होने वाला है 1
ठीक है वन। फिर भी देखो जैसे कि 4 × 5 होगा तो इसका एचसीएफ क्या होगा, हमेशा 1 होता है क्योंकि आती है, तो इस प्रकार से दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होने वाला। ठीक है वैसे और दे सकते हैं 9, 8 हो गया, ये सब क्या है, सब को प्राइम नंबर है, सब हाथ संख्या, उसको मैं आगे और बता दूंगा। 2, 3 हो गया, ठीक है, और कोई भी ले लो, 11, 13 हो गया, ये ऐसी संख्या है जो तो स्वयं से भाग जाती है या तो एक से भाग जाती है, तो ये सभी का एचसीएफ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अगले वीडियो में और बताऊंगा कोप्राइम नंबर क्या होता है, डिविजिबिलिटी में भी थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है अब थोड़ा सा हमको क्वेश्चन नंबर अपना 4 देख लेते हैं। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो हमको क्या लेना है, सभी से लोएस्ट पावर को लेते हुए चलना है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हटाएंगे, सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, 2 की पावर 1, मतलब कुछ भी नहीं है, उसके 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 5, तो सबसे हाई सबसे लोएस्ट वैल्यू किसकी है, 3 की पावर 2। ठीक है सबसे लो क्या है, 3 की पावर 2। उसके बाद देखते हैं 5 की पावर 6 है, 5 की पावर 3 है और 5 की पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1 होने वाला है आपका एचसीएफ। हम लोग क्या कर रहे हैं, एचसीएफ निकालते हैं तो छोटी वैल्यू भी लेते हैं, एलसीएफ निकालते हैं तो बड़ी वैल्यू भी लेते हैं। ठीक है 9 की पावर 1 है, 9 की पावर 2 है और 9 की पावर 7, तो हमारा एचसीएफ क्या होने वाला है मल्टीप्लीकेशन में 9 की पावर 1, तो किसी पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, सबका 1 मिटा सकते हैं, तो आपको ये क्या हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है ये सब आप मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, देखिए 2 को वैसे लिख दीजिए, 3 के 9 लिख लीजिए और इसको क्या कर लीजिए 5, इसको भी मल्टीप्लीकेशन मत कीजिए, तो 5 रन दीजिए मल्टीप्लीकेशन में, 9 रन दीजिए, इसको मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये है 10 और ये है 9 × 81, तो ये कितना आया आपको 810 भी आंसर मिल सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है आपको ऐसा ही मिलेगा ऑप्शन में, लेकिन अगर छोटी वैल्यू तो आपको ऐसा भी करने के लिए मिल सकता है। ठीक है मैंने इसी का मल्टीप्लीकेशन क्यों किया, क्योंकि मैंने एक वीडियो पे आपको बताया था जब भी क्या होता है 5 किसी सम संख्या के साथ मल्टीप्लीकेशन होता है तो क्या होता है वहां पे 0 बनाता है और 0 से मल्टीप्लीकेशन करना थोड़ा सा क्या हो जाता है आसान हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने क्या बताया घातांक एलसीएम और एचसीएफ, अभी हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं जो पॉइंट वाली संख्याएं होती है उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे लेते हैं। ठीक है तो आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं दशमलव का हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालें। ठीक है तो पहला देखिए आप क्वेश्चन मैंने लिया यहाँ पे एलसीएम निकालूंगा, दूसरे क्वेश्चन यहाँ पे मैं एचसीएफ निकालने वाला हूँ। ठीक है तो अब ये है कि 0.12, 0.12, 4.8, 0.72, 1.2 का क्या करना है हमको एलसीएम निकालना, मैं क्या सिखा रहा हूँ दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम कैसे निकाला जाए। ठीक है तो इसके 2 मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ। पहला मेथड ये है कि इनको आप नॉर्मल संख्या बना लीजिए, है ना, जो दशमलव में इनको नॉर्मल संख्या बना लीजिए, और नॉर्मल संख्या बनाने के लिए आपको क्या होगा, देखिए वीडियो छोड़ के जाइए, लेकिन मैं आपको मेथड बता रहा हूँ ये क्या है, यही फिर आपका क्या हो जाएगा, आप लोग इसको सीख जाएंगे तो आपकी शॉर्ट ट्रिक्स बन जाएंगी। ठीक है तो पहला आप करें इनको नॉर्मल संख्या बना लीजिए, नॉर्मल संख्या बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप देखेंगे जिन संख्याओं में दशमलव के बाद सर्वाधिक अंक होंगे उतने ही क्या करिए आप 100 का मल्टीप्लीकेशन कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो आप क्या करिए सभी में क्या करिए 100 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, उससे क्या होगा ये जो संख्याएं हैं सभी क्या होंगी ये बिना दशमलव वाली संख्या बन जाएगी। जब इसमें आप 100 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, जब 2 0 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो पॉइंट क्या होता है अपने दाई ओर 2 अंक खिसक जाएगी, ये संख्या बन जाएगी 12। जब इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये संख्या बन जाएगी 480, इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये संख्या बन जाएगी 72, और इसको जब इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे सभी में क्या होने वाला है ये मल्टीप्लीकेशन होने वाला है, तो इसमें जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 120। आपने 100 से मल्टीप्लीकेशन क्यों किया है, क्योंकि अधिकतम आपके पास दशमलव के बाद 2 अंक संख्याएं थी, जब 3 संख्या होगी तो 1000 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 संख्या होगी तो आपके पास 10 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आपको क्या करना है सभी संख्याओं को एक नॉर्मल संख्या बना लेना है, उसके बाद आपको एलसीएम निकालना है, इन संख्याओं का तुरंत क्या कर सकते हैं एलसीएम निकाल सकते हैं। जल्दी एलसीएम खत्म करने के लिए कोई बड़ी संख्या से भाग देना स्टार्ट करता हूं, आप लोग 2 से भी कर सकते हैं, 6 × 12, 6 × 48, 0 बचेगा यहाँ पे, 6 × 6, 6 × 12 और 6 × 12 और ये 0, तो संख्या बहुत जल्दी छोटी हो गई। अब मैं 4 ले लेता हूँ तो 2 तो वैसे ही रहेगा, मुझे करना नहीं 2 से, और ये क्या हो जाएगा 20 बार में जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा और 4 × 5 = 20 हो जाएगा। ठीक है अब देखिए 20 दिख रहा है और यहाँ से 5 ले लेता हूँ एक बार, तो 2 यहाँ रहेगा,
पांच सौ बीस यहाँ रहेगा और ये पांच एक बार में कट जाएगा, तीन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। या तो एक काम और कर सकते हैं, अगर ये चार किसी गड़बड़ लग रहा हो तो एक यहाँ दो हो जाएगा, यहाँ तीन हो जाएगा, आपका एलसीएम क्या है शॉर्ट में खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए पंच तीस, ठीक है, तीस और दूनी साठ, तो साठ यहां से हो गया, यहाँ पे चार मैंने छोड़ दिया है, चार दूनी आठ और आठ तीन चौबीस, ठीक है, तो छह छह चौबीस का चार दो, छह दूनी बात चौदह, इसका एलसीएम आया 1440। आप ये आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपका एलसीएम कितना है 1440, ठीक है, और आपने किससे गुणा किया था, 100 से गुणा किया था, तो आप क्या करें जिस संख्या से गुणा किए थे उस संख्या से भाग दे दें, तो आपका क्या होगा, दशमलव फिर से लगा दिए, 14.40 क्या होगा आपका एलसीएम हो गया। ये था पहला मेथड इसको सॉल्व करने का, ठीक है, ये क्या था पहला मेथड। अब आपको मालूम चले 1440 इसका एलसीएम आता है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, साथ में यहाँ पे दूसरा मेथड भी इसको बताता हूँ, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा मेथड ये है कि इन संख्याओं को आप क्या कीजिए, अंश बटे हर में चेंज कर लीजिए, और अंश बटे हर में चेंज करते हो तो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि सभी संख्याओं के बराबर में ही आपको जीरो लगाने हैं। देखो जैसे 12 0.12 का लगते हैं, 12 बटे 100 लिख सकते हैं, ठीक है, दूसरा इसको आपको 48 बटे 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको 480 बटे 100 ही लिखे, उससे क्या होगा आपकी सभी क्वेश्चन सही होंगे। 48 बटे भी आप 10 लिख सकते हैं, लेकिन उससे कभी कहीं पर आप क्या होंगे क्वेश्चन में फंस सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं 72/100 लिख सकते हैं, और इसको आप क्या कर सकते हैं 120/100 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप इसको लिख लीजिए, बहुत ही आसान तरीका है। मैं 100 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि दशमलव पर लिखता हूं, दो अंक की संख्या है। अब क्या कहिए, जिसमें पिछले वीडियो में बताया है तो एलसीएम निकालने कहा गया है, तो आपको एंस का एलसीएम निकालिए, जब एंस का आप एलसीएम निकालेंगे तो 1440 आपको क्या है एलसीएम मिला हुआ है, और सभी के नीचे में क्या है 100 है, तो ऑलरेडी वो 100 रहेगा, तो आपका आंसर क्या आएगा फिर से वही आने वाला है। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट क्यों लगा, क्योंकि आपने एलसीएम पहले से इसका निकाल के रख दिया है। तो या तो आप क्या कीजिए, पहले मल्टीप्लीकेशन करके कुछ साधारण नंबर बना के एलसीएम निकालिए, जिस संख्या से मल्टीप्लीकेशन करेंगे उसी से आप भाग करेंगे, या तो आप कीजिए उन नंबरों को अपॉन में अंश बटे हर में तोड़ लीजिए, और मैं पिछले वीडियो में देखिए अंश बटे हर में जब संख्या आती है तो कैसे उसका एलसीएम और एलसीएफ निकाला जाता है। लेकिन इस चीज का विशेष ख्याल करेंगे, 4.88 है तो 4/48/10 ना लिख करके उसको इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से आपका कभी आंसर सही आएगा और कभी बाई चांस किसी क्वेश्चन में गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको मुझे समझ में आया होगा। हम लोग क्या करते हैं एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ में भी यही दो मेथड काम करेंगे। पहला मेथड देखो, पहला मेथड में क्या करता हूँ, दशमलव पर एकदम कितनी है तीन संख्या, तो मैं किससे मल्टीप्लीकेशन करूंगा, 1000 से मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ सभी को। मैं क्या कर रहा हूँ 1000 से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दशमलव पर अधिकतम तीन संख्या है, इसमें अधिकतम दो ही संख्या थी, तो तीन जीरो से मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये पॉइंट है तीन और बाएं खिसकेगा, तो एक दो और ये तीन संख्या, ठीक, ये क्या बन गया 50, और ये क्या बन गया ये 100 बन गया, और ये क्या बन गया आपका 25। तो इसका जो एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ आपको साफ साफ दिख रहा है 25। मैंने क्या बताया एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ या तो वही संख्या हो सकती है या उसके कोई छोटे फैक्टर हो सकते हैं, तो 25 मुझे दिख रहा है, 25 इसको ही भाग कर रहा है और इसको ही भाग कर रहा है, अपने आप को भाग कर ही रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 25 आ गया आपका एचसीएफ, और आपने किससे भाग दिया था 1000 से भाग दिया था, तो आप क्या कर सकते हैं इसको फिर से 0.025 या आपका क्या हो गया आंसर। अदरवाइज इस मेथड से आप जाएंगे तो 0.05 लिखा हुआ है उसको आप क्या लिखेंगे 50/1000 लिखेंगे, वही लिखेंगे। मैंने आपको क्या बताया अधिकतम संख्या देख करके दशमलव का आप चयन करेंगे, ठीक है, इसको 100/1000 लिख सकते हैं और इसको क्या करेंगे 25/1000 लिखेंगे, ठीक है। अब फिर से इसका एचसीएफ कितना है, तीनों का 50, 100 और 25 का एचसीएफ निकालेंगे तो 25 ही आएगा, और नीचे वाले क्या करेंगे, नीचे वालों का आप लोग एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 1000 ही आएगा, तो फिर से आपका आंसर कितने वाला है, आंसर तो आपको वही आने वाला है, ठीक है। दो मेथड है, दोनों में से आपको जो भी सुटेबल लगे उसका एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, घातांकों का एलसीएम एचसीएफ निकालना, ठीक है, उसके बाद क्या बताया, सिर्फ दो ही एग्जांपल दिया हूँ, आई थिंक ये सफिशियंट है। इसके बाद आप किसी भी पॉइंट वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगर आप उसको अंश बटे हर में चेंज कर लेंगे तो मेरा पिछला वीडियो जाकर देखेंगे, जो आपको क्वेश्चन में कहा जाता है उसको आप क्या करते हैं न्यूमरेटर में अप्लाई करते हैं। एलसीएम बोलेंगे तो आप न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ बोलेंगे तो आपको क्या अंश बटे हर की संख्याओं का अंश का आपको क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ निकालना पड़ेगा।
तो अगली वीडियो में क्या करूंगा, जो थ्योरी क्वेश्चन उसको एलसीएम एचसीएफ में कंप्लीट करना चालू करूंगा, जो हमारी जो मैंने फॉर्मूला लिखा है पिछली वीडियो में बताया है। और आप लोग को एक मैं काम बता रहा हूँ, क्या है कि आप डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, वो बहुत काम आने वाला है हम लोग को। कौन सी संख्या 2 से डिवाइड होगी, कौन सी संख्या कब 3 से डिवाइड होगी, कब 4 से डिवाइड होगी, कब 5 से, कब 6 से, ऐसे करके मिनिमम तो आप 9 तक का तैयार करिए, 11 और 13 तक है, 11 का भी पता कर लीजिए, 13 भी पता कर लीजिए। तो मिनिमम आप क्या करेंगे, आपको संख्या देख के मालूम चलना चाहिए 5 से डिवाइड हो रही है, 2 से भी हो रही है, 5 से भी हो रही है, और ये 8 से भी हो रही है, और ये 4 से भी हो रही है, इस प्रकार क्या है आप लोग को देख के मालूम चल जाना चाहिए। ठीक है, तो अगला वीडियो जो एचसीएफ एलसीएम का आएगा उसमें बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हम लोग ऑप्शन से कैसे आंसर निकालेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो होप सो आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी और चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल इसको लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कंटिन्यूसली यहाँ पे डेली 1 से 2 वीडियो में यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, और आप बिल्कुल एनटीपीसी या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।